मैं अपनी कौम को आज एक बात सिखाना चाहूंगा, मेरे पाकिस्तान मेरे लोग बैठे, माय पीपल, आई लव माय कंट्री, आई लव पाकिस्तान, वो बनो कि लोग तुम्हें स्किल से, आजकल बहुत चल रहा है स्किल सीखें। सुने शेख हातिफ का नया जुमला, बने वफादार, बने एक सरदार, आपको अपनी सरदारी जरूर दे गए। आज हमने लोगों ने कहा ना भाई जॉब छोड़ो, स्किल्स करो, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, खुद बॉस बनो। आज हम कहते हैं बॉस बनेगा तो उसको लोग नहीं चाहिए होंगे। मार्केट के अंदर वफाओं को गर्म करें पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान को स्किल सेट वाला मुल्क तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तान वफादार, ये कहलाए कि यार बावफा कौन है। दोस्ती भी करते हैं तो टका के करते हैं, चाय पिलाते हैं तो भी बड़ी टका के चाय पिलाते हैं लोग। ये तो है। बावफा नेशन बनाया दिस सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के सर्कल के अंदर ये हो गया, बस हवस आ चुकी, हवस की वैल्यू है, टोपी ड्रामे की वैल्यू है, मैं बात को यहां से यहां गोल चक्कर करके कुछ चार पैसे कमाऊं। इससे दोनों एस्पेक्ट्स का गंद पता चलता है, यानी ऊपर वाले को भी वफा नहीं चाहिए तो इसका मतलब है टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप भी हमारी कितनी कितनी खोखली हो चुकी है, उसे स्किल सेट को वैल्यू दे रहा है मगर वफा को वैल्यू नहीं दे रहा। और नीचे का तबका भी कितना खराब हो चुका है कि वो भी कह रहा है कि मैं कुछ चार पांच चीजें सीख लूं तो पैसे बना लूंगा। असल कैश आउट तो आदमी अपनी वफाओं से करता है, असल खजाने वफाओं को मिलते हैं आगे से। तो आप ये देखें इसकी दलील क्या है। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु एक टीले पे खड़े थे, एक टीले पे थे या दरख्त पे थे, तो उनकी पतली टांगे देख के किसी ने कहा था यार ये तो बड़ी पतली टांगे हैं इब्ने मसूद रजी अल्लाह। पता है क्या जवाब दिया था आपसे, इसकी पतली टांगों पे मत जाना है आदिल साहब, इसकी पतली टांगों पे मत जाना, ओहद पहाड़ वाली बात की थी जी जी, इसके इल्म का जो वजन है ना वो ओहद पहाड़ से भी था और इसकी वफाओं का वजन भी ओहद पहाड़ से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात वफाओं की जमात थी, स्किल्स भी थे, मगर जो जुलैबीब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो जाके उससे बोलो कि मैंने कहा शादी कर, तो माँ बाप ने कहा ये तो जारी लिहाज से कोई हुसन ही नहीं है, कोई जमाल नहीं है, कोई स्किल नहीं। सही। बेटी ने पीछे क्या कहा, किसने नबी का हुक्म है मान लो, जाहिर मत देखो, स्किल मत देखो, कोई ऐसी खैर अल्लाह के नबी ने इसमें देखी है जो इसको इमाम बना देगी। और मदीने का सबसे रिचेस्ट कपल वॉज जुलैबीब एंड हिज वाइफ, अगरचे वो थोड़े से हुसन और जमाल में कम थे बहुत ज्यादा।